नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम मेरे सबसे फेवरेट मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है शर्लॉक होम्स। मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और IMDb रेटिंग है 7.7। अगर आप भी मेरी तरह शर्लॉक होम्स के फ़ैन हैं तो उसकी सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उसे भी देख लें। प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। ओके, सो वापस आते हैं मूवी पे। मूवी के डायरेक्टर हैं गाय रिची। शर्लॉक होम्स का रोल प्ले किया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। डॉक्टर वॉटसन का जूड लॉ, आइरीन एडलर का रेचल मैकएडम्स और लॉर्ड ब्लैकवुड का मार्क स्ट्रॉन्ग ने। मूवी की शुरुआत होती है 1819 के लंदन से, जहाँ शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक केस सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक लड़की की जान बचानी थी जिसे लॉर्ड ब्लैकवुड ने किडनैप कर लिया था और उस पर कुछ जादू टोना कर रहा था किसी तरह की शक्तियां पाने के लिए। इससे पहले कि लॉर्ड ब्लैकवुड उस लड़की की जान ले, शर्लॉक आकर उसकी जान बचा लेते हैं। कुछ ही देर में लेस्ट्रेड, जो पुलिस वाले हैं और शर्लॉक के अच्छे दोस्त भी हैं, वो लॉर्ड ब्लैकवुड को अरेस्ट कर लेते हैं। इससे पहले भी ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मार दिया था ठीक उसी तरह। 3 महीने बाद जेल के अंदर ब्लैकवुड एक पुलिस वाले पे जादू कर देता है और वो मर जाता है। एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ब्लैकवुड कहता है, मुझे एक आदमी से मिलना है। ब्लैकवुड दरअसल शर्लॉक से मिलना चाहता था। शर्लॉक जेल में जाकर ब्लैकवुड से मिलते हैं, जहाँ वो कुछ ब्लैक मैजिक के मंत्र पढ़ रहा था। लोग उससे बहुत डरते हैं मगर शर्लॉक नहीं। शर्लॉक कहते हैं जब ब्लैकवुड मर जाएगा तो वो उसके दिमाग को खोलकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे शर्लॉक जाने लगते हैं, ब्लैकवुड कहता है 5 लोगों की जान सैक्रिफाइस देने के लिए गई थी, लेकिन अब और 3 लोगों की जान जाएगी और शर्लॉक कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्लैकवुड शर्लॉक को चैलेंज करता है उन लोगों की जान बचाने के लिए। अब फांसी का दिन था। ब्लैकवुड मरने से पहले कहता है, ये तो बस शुरुआत है, और उसे फांसी दे दी जाती है। डॉक्टर वॉटसन चेक करते हैं और घोषित करते हैं ब्लैकवुड मर चुका है और ये केस खत्म हो जाता है। बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक के घर आइरीन एडलर मिलने आती है। आइरीन दिमाग से बहुत शातिर है और एक चोर भी है जो शर्लॉक को पसंद करती थी। आइरीन शर्लॉक को एक केस देती है जिसमें एक ल्यूक रियोडन नाम के आदमी को ढूंढना था। फिर कुछ ही देर में वहाँ से निकल जाती है। शर्लॉक आइरीन का पीछा करते हैं और आइरीन एक हॉर्स कार्ट में बैठ जाती है। शर्लॉक भेस बदल कर हॉर्स कार्ट के सामने आ जाते हैं और अंदर से एक आदमी शर्लॉक को पिस्तौल दिखाकर दूर हटने को कहता है। घर आकर शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को बताते हैं कि आइरीन किसी के लिए काम कर रही है और उस आदमी के कंट्रोल में है, जबकि आइरीन किसी के कंट्रोल में रहने वालों में से नहीं थी। फिर एक पुलिस वाला आता है और कहता है ब्लैकवुड अपने कब्र से बाहर आ चुका है, वहाँ के एक गार्ड ने उसे चलते हुए देखा था। शर्लॉक कहते हैं, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मगर डॉक्टर वॉटसन कहते हैं, ब्लैकवुड तो मर चुका था, मैंने खुद उसे चेक किया था। अब दोनों ब्लैकवुड के कब्र के पास जाते हैं, तब पता चलता है डेड बॉडी रियोडान की है, जिसे आइरीन ने कुछ ही समय पहले ढूंढने के लिए कहा था। कुछ क्लूज मिलने के बाद शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन ल्यूक का घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ल्यूक एक ड्वार्फ यानी कि बौना था और उसके पास से जो घड़ी मिली थी, शर्लॉक को उस घड़ी के शॉप से ल्यूक का घर का पता मिल जाता है। घर जाने के बाद उन्हें पता चलता है ल्यूक ब्लैकवुड के साथ मिलकर साइंस और जादू को मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। शर्लॉक को एक तांबे के बर्तन में कई सारे मरे हुए फ्रॉग्स यानी कि मेंढक दिखते हैं और डॉक्टर वॉटसन को पेपर पर कुछ सबूत मिलता है। उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू ही थी और उसके बीच कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक बहुत ही ताकतवर आदमी था। दरअसल ये लोग इस जगह को आग लगाकर जलाने आए थे ताकि कोई भी सबूत ना रहे, मगर शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन ने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। लेकिन अब उन लोगों के बीच हाथापाई होने लगती है, क्योंकि वो लोग शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को सबूत ले जाने से रोकना चाहते थे। वो लोग डॉकयार्ड पहुंच जाते हैं जहां काम चल रहा था, मगर इनके झगड़े में बहुत सारा नुकसान हो जाता है और गलती से एक शिप पानी में जाकर डूब जाती है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को जेल में बंद कर दिया जाता है और कुछ ही देर में मेरी डॉक्टर वॉटसन की फियांसे उनकी जमानत करा देती है, मगर शर्लॉक वहीं रह जाते हैं।
उसके बाद लेस्ट्रेड आकर शर्लॉक की जमानत कराते हैं और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें लिखा था ब्लैकवुड वापस आ चुका है और उसके साथ शैतान चल रहा है। लेस्ट्रेड कहते हैं शर्लॉक की जमानत किसी ऊंचे ओहदे के इंसान ने की है। शर्लॉक का मुंह ढक कर ले जाया जाता है और अब उनके सामने बैठे हुए हैं सर थॉमस रॉथरम। शर्लॉक कुछ डिडक्शंस करते हैं और कहते हैं मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया और कैसे आया। सर थॉमस की अंगूठी देखकर शर्लॉक उनका नाम भी बता देते हैं और कहते हैं हम इस वक्त टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स में हैं जो एक सीक्रेट सोसाइटी है और कहते हैं ब्लैकवुड आप ही का बेटा है। सर थॉमस ये बात एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है इसलिए हम नहीं चाहते किसी और को पता चले। सर थॉमस शर्लॉक को एक बुक देते हैं जिसे ब्लैकवुड ने सारे जादू और तंत्र मंत्र सीखे थे और कहते हैं ब्लैकवुड को दुनिया को बर्बाद करने से रोकना होगा और शर्लॉक की मदद मांगते हैं और कहते हैं वो शर्लॉक को इस काम के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं मगर शर्लॉक मना कर देते हैं। अब शर्लॉक आइरीन से मिलने जाते हैं और बताते हैं जो हॉस्कार्ट के सामने बूढ़ा आदमी आया था वो कोई और नहीं वो खुद ही थे। एक दिन सर थॉमस अपने बाथ टब में नहा रहे थे तब उनकी मौत हो जाती है। सर थॉमस टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स के सबसे प्रमुख मेंबर थे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शर्लॉक को बुलाया जाता है। शर्लॉक को वो एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ तंत्र मंत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। शर्लॉक एक बुक और कुछ चीज़ें अपने पास छुपा लेते हैं। टेंपल ऑफ द फोर ऑर्डर्स के मेंबर्स की एक मीटिंग होती है। लॉर्ड कावर्ड जो ब्लैकवुड से मिला हुआ था कहता है अब वो ब्लैकवुड को सर थॉमस की जगह लेने के लिए नॉमिनेट करना चाहता है लेकिन एक दूसरे ऑफिशियल जॉन स्टैंडिश जो सर थॉमस के साथ ही काम करते थे कहते हैं ये क्या वो जानता है ब्लैकवुड क्या कर सकता है। तब ब्लैकवुड वहाँ आ जाता है और कहता है वो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है फ्यूचर बदलना चाहता है। अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा है हम वहाँ भी कब्जा करके फ्यूचर बदल सकते हैं लोग उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। मगर स्टैंडिश इस बात से इनकार करते हैं और ब्लैकवुड पर गोली चला देते हैं लेकिन गोली चलाने के बाद उनके शरीर में आग लग जाती है और उनकी ही जान चली जाती है। अब ब्लैकवुड को सर थॉमस की जगह मिल जाती है। शर्लॉक को कुछ क्लूज मिलता है और पता चलता है नदी किनारे एक फैक्ट्री है जहाँ उन्हें ब्लैकवुड मिल सकता है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कोई मशीन वहाँ से हटाई गई है। ब्लैकवुड फैक्ट्री में छुपा हुआ था और एक मशीन चालू कर देता है जिस पर आइरीन एडलर लटकी हुई थी। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन किसी भी तरह आइरीन की जान बचा लेते हैं। अब शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन और आइरीन एडलर एक जगह मिलते हैं। शर्लॉक हो रहे मर्डर्स के बारे में बताते हैं जो ब्लैकवुड ने किए थे। ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मारा था और फिर बाकी के 3 लोगों को। ये सभी लोगों का टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर से कुछ ना कुछ कनेक्शन था। फिर एक मैप दिखाते हैं बाकी तीनों की मौत कहां कहां हुई। मैप पर लोकेशन के हिसाब से एक क्रॉस साइन बन जाता है जिसका मतलब ये कि आखिरी और फाइनल लोकेशन था पार्लियामेंट। मगर शर्लॉक को पार्लियामेंट में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था कि कहाँ ब्लैकवुड अपने आखिरी प्लान को अंजाम देगा। अब लेस्ट्रेड आकर शर्लॉक को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें लॉर्ड कावर्ड के पास ले जाया जाता है। ब्लैकवुड से मिला हुआ था। शर्लॉक कुछ डिडक्शंस करते हैं और उन्हें पता चलता है ब्लैकवुड ने पार्लियामेंट के नीचे ही सीवेज टनल में कुछ प्लानिंग की है। शर्लॉक पानी में कूद जाते हैं जहां डॉक्टर वॉटसन और आइरीन उनका इंतज़ार कर रहे थे। अब तीनों पार्लियामेंट के ठीक नीचे पहुंच जाते हैं सीवेज टनल में जहां ब्लैकवुड ने अपने आदमियों को काम पर लगा रखा था। वहां एक बड़ा सा मशीन था और ये वही मशीन था जिस पर लूक काम कर रहा था। शर्लॉक कहते हैं ये एक तरीके का केमिकल वेपन है जो युद्ध के समय पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इस मशीन में जो केमिकल है वो गैस फॉर्म में बदलकर पाइप के जरिए ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जाएगा जहां इंग्लैंड के सबसे पावरफुल और ऊंचे ओहदे के ऑफिसर्स हैं और उस गैस की वजह से उन सभी की जान चली जाएगी और उस मशीन को चलाने के लिए कंट्रोलर ब्लैकवुड के पास होगा जो पार्लियामेंट में मौजूद था। आइरीन मशीन में लगे हुए केमिकल सिलेंडर को निकाल लेती है और भाग जाती है। शर्लॉक आइरीन का पीछा करते हैं और एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जो अभी बन ही रहा था।
आइरीन कहती है वो शर्लॉक को सब सच बताना चाहती है, लेकिन तब तक ब्लैकवुड भी वहाँ आ जाता है और आइरीन से सिलेंडर छीन कर उसे धक्का मार देता है। अब शर्लॉक और ब्लैकवुड में हाथापाई होने लगती है और ब्लैकवुड के पैर में एक रस्सी बन जाती है जो एक लोहे के भारी रॉड से बंधी हुई थी। शर्लॉक बताते हैं ब्लैकवुड के पास कभी कोई काला जादू था ही नहीं, सिर्फ शातिर दिमाग और चालबाजी थी। सबसे पहले जेल का गार्ड जिसको तुमने पैसे दिए थे उसने नाटक किया कि तुम्हारे जादू का उस पर असर हुआ है। दूसरा, जो कब्र में तुम्हें डाला गया वो पहले से ही टूटा हुआ था, तुम बाहर आए और गोंद लगाकर जोड़ दिया। तीसरा, तुमने अपने पिता के बाथटब में पानी के साथ कॉपर मिला दिया था जिससे शरीर को लकवा लग जाता है और जान चली जाती है। इस बारे में ल्यूक के लैब से पता चला जहां उसने मेंढक पर वही एक्सपेरिमेंट किया था। चौथा, जब स्टैंडिश टेंपल ऑफ द फोर ऑर्डर्स में एंटर कर रहे थे तब उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया गया था और उनके गन से कुछ छिड़कानी की गई, इसलिए जब उन्होंने तुम पर गोली चलाई तब उनके अपने शरीर में आग लग गई। और सबसे बड़ी प्लानिंग आज की थी जो पूरे पार्लियामेंट में केमिकल गैस से सबको मार देना चाहता था, मगर सिर्फ ब्लैकवुड के लोग बच जाते क्योंकि उन्हें पहले से ही एंटीडोट दे दिया गया था जिसके बारे में उन्हें खबर भी नहीं थी। उन्हें लगता तुमने अपने जादू से उनकी जान बचा ली थी। अब ब्रिज के ऊपर से एक पार्ट टूटकर गिर जाता है और उसी में फंस कर ब्लैकवुड को फांसी लग जाती है। शर्लॉक फिर आइरीन के पास जाते हैं जो अभी भी जिंदा थी। आइरीन कहती है मोरियाटी एक प्रोफेसर है और वो उसके लिए काम करती है। मोरियाटी मेरा वीक पॉइंट जानता है इसलिए मुझे उसके लिए काम ही करना पड़ा। शर्लॉक वीक पॉइंट पूछते हैं और जानना चाहते हैं मगर आइरीन कुछ नहीं बताती है। बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक फांसी पर लटके हुए थे तब डॉक्टर वॉटसन और मेरी वहाँ आ जाते हैं। शर्लॉक तो जिंदा ही थे, दरअसल वो बस जानना चाहते थे कि ब्लैकवुड ने फांसी लगने के बाद भी मरा कैसे नहीं। तो मिस्ट्री ये थी कि ब्लैकवुड की रस्सी एक बेल्ट से बंधी हुई थी जिसकी वजह से उसके शरीर का भार गले पर नहीं आया। मगर सवाल था, डॉक्टर वॉटसन ने तो चेक किया था कि ब्लैकवुड मर चुका है। वो इसलिए क्योंकि ब्लैकवुड ने एक तरह का जहर खाया था जिसकी वजह से कुछ देर के लिए शरीर में जान नहीं रहती है। एक पुलिस वाला आकर बताता है ब्लैकवुड के मशीन के पास एक दूसरा पुलिस वाला मारा गया था। ये काम था मोरियाटी का जिसने आइरीन को बस एक मोहरा बनाया और मशीन का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा या पार्ट निकाल लिया जिसे बिना किसी वायर के मशीन को चलाया जा सकता है, जो अब मोरियाटी के पास था। अब आखिर में शर्लॉक कहते हैं केस रीओपन और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों, थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। हम जल्द मिलेंगे अगले मूवीज़ या सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।